मीठी मजेदार रेसिपीज जैसे कि आज यूजुअल आप लोगों के लिए लेकर आते हैं और चाहते हैं कि हर दिन आपका परफेक्ट होना चाहिए मजेदार मेन्यू के साथ। तो आज भी बहुत कुछ खास बनने जा रहा है क्या, पर उससे पहले एक छोटी सी बात। मैं आ रही थी तो एकदम मेरे दिमाग में आया, जब मैं आ रही थी तो मैंने रोड पे देखा ट्रैफिक जाम था। क्यों था ट्रैफिक जाम? क्योंकि एक गाड़ी ने गाड़ी को हिट कर दिया, इस वजह से जाम हो गया। तो जो दो लोग थे जो यानी ड्राइव कर रहे थे कार, वो दोनों आपस में लड़ रहे थे। तो मैं ये सोच रही थी कि वाकई क्या जल्दी तो हर एक को होती है जाने की, पर इस तरह की छोटी छोटी सी बातें जो हो जाती हैं, जो प्रॉब्लम हो जाती है कि जी कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग छोटी छोटी बातों पर शोर करना शुरू कर देते हैं। एक मिसाल ले लें, जैसे डक होती है पानी में तैर रही है, जा रही है, हमें ऊपर से बड़ी काम लगती है कि भाई बड़ी सुकून से चल रही, पर उसके जो पाँव होते हैं पैडलिंग कर रहे होते हैं, मुसलसल एक काम कर रहे हैं उसको आगे ले जाने के लिए, आगे जाने के लिए वो काम कर रही होती। इसी तरह से हमें भी बहुत अपने एक्सप्रेशंस को काम रखें, अपने दिमाग को कूल माइंड होके काम करें, ताकि हर काम आपका परफेक्ट होना चाहिए। जैसे कि आप जो यहाँ पर कर रही होती हैं, सुकून से सारा काम भी कर देती हैं और जल्दी भी कर देती हैं। और जैसे कि आज बनने जा रही बड़ी मज़े की रेसिपीज़ बन रही है, चीकू की खीर बन रही है, कसूरी मुर्ग मलाई बन रही है और साथ में बन रहा है गोभी भरे टमाटर। वाह भाई, तीनों मज़ेदार रेसिपीज़ हैं जो कि आज हमने जानी, और साथ साथ सवाल भी आप लोगों को बताएं। मसाला टीवी फूड मैक के लिए मज़े का बड़ा अच्छा सा इशू जो आया हुआ है इस मंथ का, उसके लिए आपके लिए सवाल है जो कि आप बताएंगे कि अमूमन खीर को गाढ़ा करने के लिए क्या चीज़ इस्तेमाल की जाती है। चावल इस्तेमाल किया जाता है ऑप्शन, या फिर आपको लगता है खोपरा। ये दो ऑप्शंस आपके पास हैं, जो आपको सही लगता है आप राइट मैसेज में जाएंगे, टाइप करेंगे मसाला इट स्पेस योर मैसेज में आप लेंगे, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन स्पेस योर नेम स्पेस सिटी एंड सैंडी 2881, और चाहें तो आप फेसबुक जो कि हांडी के नाम से है उस पर भी आप कर सकते हैं, और इसके अलावा जो है कॉल के थ्रू आप बताएंगे आंसर्स। और जी अभी जाना है मापा की तरह खूबसूरत सी मशाला, ऐसे गेंदा होता है ना जो खेतों में सब बागात होते हैं उनमें अलग नज़र आता है, ऐसे आप अलग। अस्सलाम वालेकुम मापा जी, तेरा खुश रहो, आबाद रखे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जीते रहें, खुश रहें अपने अपने घरों में, अपने बच्चों अपने बड़ों के साथ, अल्लाह मियाँ की हिफाजत में हंसते बसते आबाद रहें। अल्लाह मियाँ मुँह से निकल जाता, बहुत से लोग कहते हैं अल्लाह ताला कहा करें, मियाँ नहीं कहा करें, तो अल्लाह के सब सुन लेता है। दिल से मांगो तो अल्लाह नियत नियत देखनी चाहिए, सब सुन लेता है बिल्कुल, जिस तरह से भी उसको पुकारो बस दिल से पुकारो। उसके बाद हम आज बना रहे हैं खीर चीकू की, और उसके बाद हम बनाएंगे टमाटर भर के बंद गोभी के साथ, और फिर हम बनाएंगे कसूरी मेथी फ्रेश क्रीम के साथ। ये तीनों चीज़ें आप लोगों के लिए भी नहीं है, मेरे लिए भी नहीं है, लेकिन होता क्या है कि हम मैं रिपीट करती रहती हूँ अपनी चीज़ें बहुत अरसे के बाद, लेकिन ये नई चीज़ें हैं। जब आदमी इस फील्ड में आता है तो कुछ किताबें भी पढ़ता है, कुछ देखता भी है, तो रेसिपीज़ हैं, लेकिन उसको हमने अपने तौर से ठीक किया है। हम दूसरे मुल्क की रेसिपीज़ अगर लेते हैं तो हमें चाहिए कि हम अपने हिसाब से उसे ठीक करें, बिल्कुल सही, ताकि लोग आसानी से पका सकें, जो उसमें कीमती चीज़ें जो आसानी से बाहर मिल जाती हैं वो हम निकाल दें, और जो अपनी चीज़ें हैं जो यहाँ आसानी से मिलती हैं जो हर आदमी अफोर्ड कर सकता है, मेरा नज़रिया वो है कि हम उस तरीके से पकाना चाहिए, अपने टेस्ट बर्ड्स के मुताबिक, हाँ। अपने मसालों के मुताबिक, अपनी चीज़ों के मुताबिक, बजट के मुताबिक वो आपा पूरा उसको चेंज कर देती हैं। जैसे कि हर चीज़ में रिसर्चेस हो रही होती है, इसी तरह आपा भी खानों में मुसलसल रिसर्च कर रही होती है, कुछ ना कुछ नया नया आपके सामने लाने की कोशिश होती है। और जैसे कि आई ये तीनों रेसिपीज नाम से डिफरेंट है, इंग्रेडिएंट्स भी बड़े मज़ेदार हैं और अच्छी बनेगी। इब्तदा एक और, जिसने चूल्हे बनाया अल्लाह ने उसे खुश रखे आबाद रखे, इज्जत रख लेता है चूल्हा, शुक्र अब्बा डेडी, ऐसे आप क्या चूल्हा रखेगा इज्जत आपकी माशाल्लाह, बस ही बहुत लोग प्यार करते हैं मोहब्बत करते हैं इज्जत। अब ये एक लीटर दूध है हम इसमें डाल रहे हैं, लेकिन हम थोड़ा सा बचा लेंगे क्योंकि हमें कस्टर्ड के लिए चाहिए होगा। सबसे पहले हम चीकू की खीर बना रहे हैं, हाँ वो बना के प्याले में रख देंगे ताकि ठंडी हो जाए। क्या वैसे डिफरेंट होगी चीकू की खीर? अच्छा, अब इसमें होता क्या है, हमने एक लीटर दूध लिया है, हम चावल उबाल के लाए हैं, हम इसमें ये काफ़ी हो गए, वही तो कह रही हूँ वो कभी कोई चीज़ कम नहीं देता। मैंने आधी प्याली कहे थे, इन्होंने पूरी डेढ़ प्याली शायद उबाल के दे दिए। अच्छा, अब इसमें हम आधे चावल डालेंगे इसमें और दो प्याली चीनी डालेंगे, इसके साथ हम पकाएंगे। जब ये गाढ़ी होने लगेगी तो इसमें हम थोड़े से दूध में थोड़ा कस्टर्ड डाल के डालेंगे तो वो मज़े की हो जाती है, और अखरोट और बादाम डालेंगे, और ऊपर से फिर चीकू मिला के, और ऊपर से फिर खोया डालेंगे, और फिर सर्व। क्या बात है,
क्या मजे की होगी ये खीर। तो जी अब आप चीकू लीजिए और खीर को टफरन कीजिए और खीर बनाए। इसमें हम चावल डाल, अच्छा ये सिंपली बॉईल किए हैं ज़्यादा पानी में लेकर ना। हाँ बॉईल कर लिए, ठीक है। और एक्स्ट्रा बॉईल डाल रहे हैं, अब ये पक रहे हैं, बस ये काफ़ी है। कोई गुलत्ती खाना चाहेगा तो उसके लिए गुलत्ती बना, ऐसे बना रहे हैं क्योंकि इतने ज़्यादा चावल है यहाँ पर। सही, ये तो आपा बहुत 3-4 लीटर की अगर खीर बने तो उसके लिए शायद इतना होगा, इतनी ज़्यादा यहाँ पर आई। पर कोई बात नहीं, अच्छा जी थोड़ा इसको अच्छे से मिक्सअप करेंगे जब तक ये डिजॉल्व होता रहेगा। और सवाल भी आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा है, अमूमन खीर को गाढ़ा करने के लिए क्या चीज़ इस्तेमाल की जाती है, चावल या फिर खोपरा? हम चीनी भी डाल देंगे ताकि साथ पकती रहे, ठीक है, ताकि मीठा भी हो जाए। ऑल राइट, ये हम 4 चम्मच डालेंगे तकरीबन 5, तो ये 2 प्याज़ होते हैं। अच्छा आपा जो टमाटर आप भरे हुए बना रही हैं उसके लिए स्पेशली बड़ा साइज़ का टमाटर लेना होगा? आप बड़े साइज़ के मिले नहीं, उमन बड़े साइज़ के हों टमाटर तो बहुत, लेकिन मैंने गदरे गदरे ढूंढ के फिर उसके ऊपर का निकाल के उसको होल किया। और थोड़े सख्त वाले भी हों? सख्त वाले, नरम तो फिर बिल्कुल भी नहीं कंट्रोल जाएंगे और वो कुक होने से पहले आपके हाथों में शहीद हो जाएंगे। तो अच्छा इसके लिए बड़ी साइज़ का पापा तो ढूंढ ढूंढ के, वैसे ऐसा नहीं है कि आपा खुद नहीं ये चीज़ें जाकर लेकर आती हो, खुद जाती हैं सब्ज़ी वाले की दुकान में जाती हैं? नहीं मैं खुद जाती हूँ, मैं हमेशा जो चीज़ें यहाँ लाती हूँ वो मैं तो घर की भी मैं खुद ही ख़रीदती हूँ। खुद ख़रीदने में एक इत्मीनान रहता है कि चीज़ सही आ गई, सही आ सही, और दाम भी पता चल जाते हैं, वरना दाम नहीं पता चलते ना। हाँ आपा ये पता होना ज़रूरी है कि क्या चल रहे हैं, आप क्या रेट चल रहे हैं, आगे हो गए कम हो गए, कम तो नहीं होते बढ़ते ही हैं, कभी ये गुड न्यूज़ सुनने को मिले सारी चीज़ के रेट्स कम हो गए हैं तो क्या कहते खाने की चीज़ों के कम हो जाए। आज एक साहिबा ने कुछ अपने अपने तरफ से, कल बिलाल लोग आए हुए थे हमारे रेडियो के ऊपर, तो उनका जो नया गाना आया हुआ है मैं तो देखूंगा तुम भी देखोगे, तो वो बड़ा कैची सॉन्ग है, हर किसी को पसंद है क्योंकि सबकी फीलिंग वही है, सबकी फीलिंग वही है। तो फिर एक साहिबा ने आज 2 अशआर भेजे थे, तो हमने कहा हम रेडियो पे नहीं सुना सकते ना हम टीवी पे, इजाज़त लेंगे फिर सुनाएंगे। अच्छा। तो थे वो वही फीलिंग वाले, लेकिन होता क्या है कि बाजी चीज़ एकदम खुलम खुला होती ना तो वो चीज़ कल बिल्कुल। मैंने कहा कि अगर ये जो उन्होंने अशार कहे इससे मिलता हुआ एक बहुत अच्छा शेर है कि ईरान के ऊपर है वो पूरी नज़्म, क्योंकि ईरान से हमारी चीज़ें बहुत मिलती हैं, ज़ुबान मिलती है, तहजीब मिलती है, तारीख़ मिलती है, रहन सहन मिलता है, तो मगर उसका एक आखिरी शेर बहुत अच्छा है ईरान के बारे में, सब ज़ुबान के बारे में है, रहन सहन के बारे में, मुझे बिल्कुल याद नहीं, लेकिन आखिरी शेर बहुत अच्छा है। अगर है फ़र्क कहीं पर तो बे इरादा है, अगर है फ़र्क कहीं पर तो बे इरादा है कि मेरे शाहों की तादाद कुछ ज़्यादा है। ओहो क्या बात है, ज़बरदस्त। या आपका अपना? नहीं नहीं बेटा, अगर मैं इतनी बड़ी शायर होती ना तो आप शेर तो ऐसे यूं चुटकियों में बनाती हैं आप छोड़ें, आप ये बात ना करें। बहन की नज़्म है ईरान, बहुत अच्छा है। अगर है फ़र्क कहीं पर तो बे इरादा है कि मेरे शाहों की तादाद कुछ ज़्यादा। ज़बरदस्त, बस बहुत अच्छा। अच्छा ये वो अशार हैं, कुछ शेर हैं जो बहुत पहले लिखे गए थे और अब अगर हम देखते हैं तो बड़े हालात के ऊपर से ही आ रहे होते हैं। बिल्कुल सही यार, बिल्कुल सही यार, क्योंकि अशायर जो देखो हर शायर जिसने थोड़ी बहुत तकलीफ़ें उठाई हैं वो शायर बहुत बड़ा है। बिल्कुल, जो शायर आराम में ज़िंदगी गुजारते हैं वो, अफैज़ साहब देख लो जिला वतन होके कितनी खूबसूरत शायरी कर गए, कितनी खूबसूरत शायरी कर गए। फैज़ साहब तो खैर शुरू से ही खूबसूरत शायरी करते थे हमेशा से, हबीब जालेब, फैज़ साहब, अहमद फराज, ये तो पाकिस्तान के मेरा ख्याल बहुत बड़े शायर होंगे मेरा ख्याल तारीख में पूरी दुनिया में। बिल्कुल जहाँ जहाँ लिया जाता है और मोस्टली अब तो स्टूडेंट्स के उसमें भी है कि ताकि बच्चों को भी पता चले हमारे ये वो शायर हैं जिन्होंने बहुत अच्छी शायरी की है, तो हम अपने उसमें भी पढ़ रहे होते हैं सब्जेक्ट में भी। अच्छा अब हम जा रहे हैं ब्रेक के ऊपर, बस हम इसे पका रहे हैं, जब ब्रेक ख़त्म होगा तो हम इसमें कसरत डालेंगे, ये गाढ़ी हो जाएगी, चीकू डालेंगे, पिस्ते, अखरोट और बादाम डाल देंगे और चीकू के मजेदार सी ये बड़ी अच्छी सी जो खीर है वो हो जाएगी रेडी। फिर 2 और रेसिपीज बाकी है वो भी कम मजे की नहीं,
सुनने में इतनी इंटरेस्टिंग लग रही, नाम कितना मजेदार है, तो होंगी भी बहुत अच्छी, पर सवाल तो बहुत हर बार की तरह बहुत आसान, ताकि आप इजीली जो है ले सके, जीत सके। मसाला मैगजीन अप्रैल का जो इशू है, अब से स्पेशल इश्यूज आना शुरू हो जाएंगे। पहले भी स्पेशल थे, बट और थोड़ा सा और मजीद स्पेशल करने के लिए उसको डिफरेंट किया गया है। आपने सिर्फ सवाल का जवाब देना और बताना है कि खीर को गाढ़ा करने के लिए अमूमन क्या इस्तेमाल किया जाता है, चावल या फिर खोपरा, जो लगता है सही वो आपको ये मिल जाएगा। मैगजीन जो भी आपने देखा है ज़बरदस्त, ये आपको मिल सकता है 888 पर एसएमएस करने से। अभी के लिए हम ब्रेक ले रहे हैं और फिर उसके बाद जो है आपकी कॉल भी शामिल करना शुरू करेंगे, रेसिपीज भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक छोटा सा बन रही है और साथ में सवाल भी खीर से रिलेटेड जो आप बताएंगे। अमूमन खीर को गाढ़ा करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, चावल या फिर खोपरा, जो लगता है आप बताएंगे और 888 पे बताएंगे और कॉल के थ्रू भी बताएंगे। अच्छा ब्रेक में हमने कुछ नहीं किया, आप कुछ नहीं किया, चमचा चलाते रहे और ये चीकू वो वाले चीकू यूज कर सकते हैं अगर फीके निकले और गुस्सा आ जाए, वो भी कर सकते है ना। अच्छा इसमें हम चीकू डाल रहे हैं, ये आधा किलो चीकू। अच्छा और आप हमने चीकू को क्या किया है, ब्लेंड सिर्फ उसको मैश कर लिया, कांटे से छील के उसके बीज निकाल के, ठीक है उसे पील ऑफ कर लें, छिलका उतार लें और गूदा को कांटे से ब्लेंडर में भी वहाँ से डालने की जरूरत नहीं, ब्लेंडर मैंने ब्लेंडर में पानी छोड़ देंगे। अच्छा ये देखो कांटे कांटे से मैश कर, देखो ये हो गई। अब इसके अंदर हम ये डालेंगे जो हमने कस्टर्ड 2 से 2.5 चम्मच घोल के रखा हुआ है, वनीला कस्टर्ड और कोई नहीं। आपको पसंद ही नहीं कोई और फ्लेवर वैसे। अच्छा देखिए तो ये गया वनीला का कस्टर्ड, थोड़ी से दूध में आपने डिसॉल्व कर लिया था और इसको डाल दिया है। अब इसको स्लोली स्लोली कुक करेंगे ताकि थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए, अभी गाढ़ा भी और टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा। वैसे तो गाढ़ा करने के लिए आपा एक चीज़ डाल दी चुकी नहीं नहीं ये तो जल्दी पकाने के लिए मैंने कस्टर्ड डाला है, अगर हम देर तक पकाते रहें हल्की आँच पे तो चावलों से बहुत अच्छे। सही अच्छा आपा अभी SMS हम पढ़ रहे थे तो उसमें था 888 पर एक है, नहीं 888 पे नहीं किया उन्होंने, फेसबुक पे किया। ओके फेसबुक पे वो ये कह रही हैं, तैयबा हैं फ्रॉम सऊदी अरेबिया, वो कह रही थी कि आपा उनके घर में या सऊदी अरेबिया का लाइफस्टाइल ऐसा है कि वॉल टू वॉल कार्पेट्स होते हैं, वहाँ पर उन्होंने रखा हुआ अपना फ्रिज और फ्रिज में मीट वगैरह कुछ उन्होंने जो फ्रीज किया है उसका वो ब्लड जो है ना वो फ्रिजर में जम गया है। अच्छा तो क्या करें, ऐसे सफाई के लिए कैसे वॉश किया जाए, साफ किया जाए? उसके लिए बेटा बेहतरीन तरीका ये है कि आप किसी सुपर स्टोर पे जाएं। अच्छा ये देखो हो गई ये गाड़ी, हम चूल्हा बंद कर रहे हैं, अब इसमें हम बादाम और अखरोट डालेंगे। ओके ये देखें क्या जबरदस्त लग रही है, क्योंकि इसमें खोया भी पड़ेगा ना। अच्छा तो आप किसी अच्छे बड़े सुपर मॉल पे जाएं, वहाँ तो इतने खूबसूरत मॉल होते हैं, वहाँ से आप ले लें थिक प्लास्टिक, बड़ी बड़े यानी थान के साइज से ना 5-6 गज की आप ले लो और आप हिम्मत करके जो घर में लोग हैं काम करने वाले, फ्रीज़र ऑफ करके उस फ्रीज़र को उठा के वो कालीन के ऊपर प्लास्टिक बिछाएं, फिर फ्रीज़र ऑफ करें, ठीक है, और फ्रीज़र को ऑफ़ करके देखते रहें कि पानी उसके अंदर ज़्यादा ना भरे। आपने सब चीज़ें तो रहेंगी क्योंकि 36 घंटे फ्रीज़र ठीक रहता है, लाइट बंद भी करने के बाद चीज़ें ठीक रहती हैं। फिर आप चीज़ें जब निकालेंगी तो चीज़ें भी किसी ऐसी चीज़ में निकालें कि जहाँ प्लास्टिक बिछी हुई हो वहाँ आप चीज़ें रखो ताकि कालीन पे पानी ना आए, ठीक है। उसके बाद आप सफाई करेंगी, सफाई आप ऐसे करेंगी कि आपने एक बाल्टी साथ रखना है और अंदर तुआल आप डाल के उसको लें और बाल्टी में निचोड़ती जाएं पानी ताकि नीचे ना गिरे, प्लास्टिक बिछी होगी इसलिए कोई फिक्र नहीं है, सारा पानी आप तुआल के ज़रिए निकाल के, जैसे हम बारिश में अक्सर छोटे सहन होते हैं तो निकालते हैं या पानी भर जाता है तो वहाँ इस तरह से निकालते हैं, आपने लिया और बाल्टी में डाला, जब बाल्टी भर गई उसको आपने वॉश बेसन में डाला, जब पूरा फ्रीज़र साफ़ हो गया
तो आपने खुश्क तौलिया से पोंछना है, ठीक है, पोंछना है। उसके बाद आपने फिर खाली फ्रीज़र उठाएं और वो प्लास्टिक निकालें, और फ्रीज़र के नीचे का कालीन भी आपको साफ़ करना होगा।